गाइस हम लोग फुलना विलेज पहुंच चुके अभी और गाड़ी ने यही तक छोड़ा। अभी हमें ट्रैक करना है, 9 किलोमीटर का ट्रैक है हमारा, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे। तो अभी पूरा ट्रैक है 9 किलोमीटर का और जैसे हमारी किस्मत गंदी हर बार की तरह बारिश चालू हो चुकी है। देखो ये देखो बारिश चालू हो चुकी है, तो हम लोगों ने रेनकोट वगैरह पहन लिया। अफजोत भाई ये भी रेनकोट पहनेंगे, फिर रेनकोट वगैरह पहन के भाई निकलेंगे हम लोग ऊपर ट्रैक के लिए। तो कल तक ट्रैकिंग मिलते हैं। स्टिक भी निकाल ली भाई, फुल प्रिपेयर्ड। हमारी स्टिक है निकाली नहीं क्या तेरे लिए? एक ही स्टिक निकाली क्या तूने? हाँ भाई, मज़ा आ रहा पूरा चलने में, पूरा मज़ा आ रहा। एक तो बहुत टाइम बाद ट्रैकिंग कर रहा हूँ और ऊपर से भी इतना अच्छा मौसम हो रखा है, पूरी ग्रीनरी है, इतने अच्छे पहाड़, इतने अच्छे झरने, तो मज़ा तो आ रहा भाई पूरा। आनंद अभी भी पीछे यार, बहुत पीछे रह गया आनंद, तो देखते आ जाएगा अभी। चलो हम भी चलते हैं। अभी तो सिर्फ एक या 2 या 3 किलोमीटर हुए होंगे। अवनीश नवजोत और वो बहुत पीछे छूट गया लगता है, बट हम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और तुम्हें एक और शानदार व्यू दिखाता हूँ। ये चीज़ अच्छी है ना, ऐसे रास्ते में इतना अच्छा व्यू दिख जाता है ना, अच्छा लगता है। वेट है, पिक्चर पिक्चर शड़ा वो भी आ गया। कौन भाई आ गए? बहुत पीछे हाय हाय हाय। तो गाइस वहाँ पे जो पहाड़ दिख रहा है ना बीच में, वो बड़ा बड़ा पहाड़, वहाँ पे हेमकुंड साहब है। हेमकुंड साहिब बेसिकली, हेमकुंड साहिब बेसिकली एक वहाँ पे गुरुद्वारा है और फिर बीच में पहाड़ है सब ऐसे। तो वही जा रहे हैं अभी हम। यहीं पे तो जाना है हमें, यहीं पे जाना है, यहीं पे जाना है। ये सब पहाड़ है, इन सब पहाड़ों के बीच में गुरुद्वारा है। तो कल जब हम पहाड़ चढ़ेंगे तब हमें, जब गुरुद्वारे में पहुंचेंगे तब हमें सब पूरा पहाड़ दिखेंगे अपने सराउंडिंग में पूरे बर्फ़ से। तो भाई बर्फ़ में जाने वाली इच्छा तो पूरी हो गई है मेरी, हो रही है, मतलब बस कल तक हो जाएगी बस। और चलते रहो चलते रहो, और 4 किलोमीटर चलना है।
गाइस मैं उस साइड चल गया था गलती से, लेकिन हमें यहाँ पे जाना है सीधा सीधा ऊपर की तरफ। बस इस पानी को फॉलो करना है। जस्ट 1 more kilometer फिर हम गगरिया पहुंच जाएंगे। बर्फ वाले पहाड़ एकदम से क्लियर दिख रहे हैं अभी। गांव तो दिख रहा है हमें। चलते रहो पहुंच जाएंगे हम लोग भी। फाइनली भाई वी हैव रीच्ड गगरिया। अभी गगरिया में रुकेंगे आज रात और फिर कल सुबह सुबह एकदम वापस हेमकुट साहिब के लिए चल बसेंगे। चल अभी देखते हैं नवजोत भाई को ढूंढता हूँ और फिर रूम पे जाते हैं सीधा। यहाँ पे देखते कहाँ पे स्टे करना है अभी। भाई अच्छी बात है, वहाँ से मेरे को और कमी है, मैंने कहा एक और ऑर्डर कर देते। आज रात यहीं पे स्टे करेंगे हम लोग, फिर कल सुबह सुबह निकल जाएंगे।